वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि कल 12 मई को क्लास 10th और क्लास 12th का जो CBSE का रिजल्ट है वो ओपन हो चुका है और इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे पास हैं और कुछ बच्चे फेल भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से बहुत संतुष्ट हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, यानी बोर्ड द्वारा जो दिए गए मार्क्स है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि वो अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाएं, या उनको उनकी जो कापी है जिनमें उसने मार्क्स लिखे उसकी फोटोकॉपी उनको मिले, या वो अपनी कापी को रीएविलेट करवाना चाहते हैं, फिर से चेक करवाना चाहते हैं, तो अगर ये सब चीज़ आप करवाना चाहते हैं, ये प्रोसेस कैसे होती, किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, अगर ये सारी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस समय आप मेरे स्क्रीन के ऊपर ये केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल बोर्ड से जो नोटिस आया है उसको देख रहे होंगे। इसके अनुसार मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है। तो तीन फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। पहली फैसिलिटी तो है वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है ऑप्टेनिंग द स्कैंड फोटोकॉपी, यानी कि जो आपने कापी लिखा था, जो आपने आंसर जिस कापी में, वो कापी की आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी, और तीसरा है रीएविलेशन, यानी आपकी कापी दोबारा से चेक हो सकती है। तो ये तीन प्रोसेस है, ये तीन जो फैसिलिटीज़ है वो किसी भी बच्चे को मिल सकती है। अब इनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये आप पहले जानते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है यानी वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। कितने भी बच्चे हैं, कोई सा भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर जो कापी लेना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी कापी की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं, तो वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने पहले से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है वही फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकोगे। ठीक है, ये होगा दूसरा। तीसरी जो है रीएविलेशन, तो रीएविलेशन वही बच्चा करवा पाएगा जिन्होंने पहले से फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और फोटोकॉपी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने ऑलरेडी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अगर आपको अपनी कापी को रीएविलेट करवाना है तो आपको पहले फोटोकॉपी मंगवानी पड़ेगी, और अगर आपने फोटोकॉपी मंगवाई है, मंगवाना चाहते हैं, तो आपको पहले से वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरी मेन कंडीशन है कि आप ये जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, और जो टाइम शेड्यूल ने दिया है उसके बाद भी किसी तरह से अप्लाई नहीं कर पाओगे। ना तो ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे, ना ऑफलाइन अप्लाई कर पाओगे, ना कोई टेलीग्राम के थ्रू या किसी तरह से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, वो भी जो शेड्यूल ने दिया है। वो शेड्यूल क्या दिया है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इसी के थ्रू दे सकते हो, आप किसी और के थ्रू नहीं दे सकते। किसी और के थ्रू मतलब किसी और माध्यम से फ़ीस को जमा नहीं कर पाओगे। आप इसी तरह से ऑनलाइन ही आपको फ़ीस जमा करनी है। जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस है, जैसे 500 रुपीज़ है, तो आप या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको मनी ऑर्डर या DD इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं बनवाना, डायरेक्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है, या वो आप ऑफलाइन भेजना चाहते हो, या किसी और तरीके से आप भेजना चाहते हो, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नीट एंड क्लीन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है, और वो भी बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। चौथा पॉइंट है कि आप एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन को सेंड कर सकता है, ये नहीं कि आप डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन सेंड करोगे। एक एप्लीकेशन एक बच्चे के लिए एक ही एप्लीकेशन सेंड की जाएगी। जैसे यहाँ लिखा, देखिए, सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप फॉर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। हर एक स्टेप के लिए आपको एक एप्लीकेशन सेंड करनी है। वेरिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन सेंड करनी है, तो फिर अगर आप कापी लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सेंड करनी है। सभी के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन सेंड करनी है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, देखिए, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसिस ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स डिले इन प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। मतलब कोई भी कारण हो, आपके मार्क्स बढ़े घटे या फिर वो डिले हो जाए किसी तरीके से, तो इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। जो सिक्स्थ पॉइंट है बहुत ही काम का पॉइंट है, इसमें लिखा, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शेल बी अफेक्टेड। जो अगर एक भी मार्क्स आपका कम हुआ तो वो भी असर डालेगा। यानी पहले क्या होता था कि अगर मार्क्स बढ़ते हैं
तो ही वो आपको सूचित करते थे और तो ही आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन आगे होता था मार्कशीट में। लेकिन अगर अब मार्क्स कम भी हो सकते हैं आपके, आपके मार्क्स कम हो गए तो कम वाली मार्कशीट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि जो पहले मार्कशीट थी वही मिलेगी, ऐसा नहीं है। सेवन पॉइंट है, अगर आपके मार्क्स कम होते हैं या बढ़ते हैं, दोनों कंडीशन में आपको जो पुरानी मार्कशीट है वो सरेंडर करनी पड़ेगी, यानी बोर्ड को सबमिट करनी पड़ेगी और न्यू मार्कशीट आपके पास आएगी, ठीक है। अगर मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं आया तो जो मार्कशीट आपके पास है वही रहेगी, लेकिन अगर कोई भी चेंज आया या कम हुए या ज़्यादा हुए, दोनों कंडीशन में आपको अपनी जो पुरानी मार्कशीट है यानी जो आपको मार्कशीट मिली है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको कोई भी चेंज नहीं आया, आपके मार्क्स वैसे ही रहेंगे, तो जो फीस आपने दी है वो रिफंडेबल नहीं होगी, जो दे दिया वो दे दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस के कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचा यार चलो दो नंबर कमाए तो चलो डाल के देख लेते, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप रिवेल्युएशन के लिए डालें और आपके मार्क्स कम हो जाए, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है, किसी टीचर ने मार्क्स दे दिए हों आपको ऐसे ही, और बाद में कोई दूसरा टीचर जब उसको चेक करे तो वह नंबर काट भी सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब आपको पूरा भरोसा हो अपने ऊपर तभी आप इस प्रकार की प्रोसेस में जाएँ, अदरवाइज़ ना जाएँ तो बेहतर है। एक दो मास के लिए आपको इस प्रकार की जो परेशानी है मोल नहीं लेना है, पूर्ण तरह से विश्वास है आपको, तभी इस प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेंगे। चलिए अब मैं आपको रीएवेल्युएशन की प्रोसेस को समझा देता हूँ। दो प्रोसेस मैंने आपको बता दी। पहली प्रोसेस में आप मास वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो मैंने आपको कंडीशन बताई दी, 500 रुपये उसका चार्ज लगेगा। दूसरा जो आपका फोटोकॉपी वाला है, अगर आपने पहले से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है उन्हीं बच्चों को जो फोटोकॉपी है वो वाली चीज़, वो फोटोकॉपी आपको मिल पाएगी अगर आपने पहले से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो। यानी दो प्रोसेस होगी। तीसरी प्रोसेस को बड़ा ध्यान से देखिए आप, रीएवेल्युएशन प्रोसेस। इसमें आपको क्या करना है कि जो अगर आपने पहले से ही कॉपी के लिए यानी जो स्कैंड कॉपी है उसके लिए अप्लाई किया है, उसी कंडीशन में आप रीएवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे आप, क्योंकि आपके पास कॉपी ऑलरेडी आ ही चुकी होगी, आप अपनी कॉपी में देख रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो सही से चेक नहीं हुए हैं या गलत चेक किए हैं या गलत नंबर दिए हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने आप चेक करिए या अपने टीचर से चेक करवाइए, जो भी आपके को विश्वास है ऐसे इंसान से उस कॉपी को अच्छे से चेक करवाइए। फिर आपको लगता है कि इस दो क्वेश्चन में या तीन क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपके मार्क्स और आने चाहिए, उन्हीं क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपको लगता है कि आपको 1 मार्क्स मिला जबकि आपको 2 मिलना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 25 है, उसमें आपको 4 मार्क्स मिले जबकि आपको 5 मार्क्स मिलना चाहिए, जैसा भी आपको लगता है, तो आप उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, इसके पहले आप जो बोर्ड द्वारा मार्किंग स्कीम है उसको जरूर रिफ़र कर लीजिए, उसको जरूर देख लीजिए कि बोर्ड द्वारा जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। अगर उसके हिसाब से भी सही नहीं हो तो भी आप गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से उसको चेक करेंगे, इसके बाद ही अप्लाई करेंगे रीएवेल्युएशन के लिए, ठीक है। अगर रीएवेल्युएशन करते समय आपके मार्क्स कम हो गए तो वो कम मार्क्स वाली मार्कशीट ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो ओरिजिनल मार्क्स आपके आए हैं रीएवेल्युएशन के बाद वही मान्य होगा, पुरानी मार्कशीट मान्य नहीं होगी। तो ये थी तीनों प्रोसेस जो मैंने आपको बता दी। अभी लिंक ओपन नहीं हुई है, लिंक ओपन जैसी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कब लिंक ओपन होगी ये सब प्रक्रिया करने के लिए। अभी मैं आपको डेट बता रहा हूँ और उसका जो फीस है वो बता रहा हूँ, चार्जेस बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। जैसे आप आगे देख रहेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अप्लाइंग ऑनलाइन, ये किसके लिए है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप जो अप्लाई करेंगे वो 16 मई से स्टार्ट करेंगे। आज 13 मई है तो 16 मई से 20 मई के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसकी जो फीस है पर सब्जेक्ट वो 500 रुपीज़ है। एक सब्जेक्ट के लिए 500 है। अगर मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट में आपको लगता है ऐसा तो आप 1000 रुपये देंगे, 3 सब्जेक्ट के लिए 1500 देंगे। इस प्रकार से आप फीस पे करेंगे, ठीक है। दूसरा है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो उसको भी ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी जो डेट है वो 31 मई से लगा के 1 जून है, 2 दिन की डेट है, एक इस बीच में आपको अप्लाई करना है और इसके लिए भी आपको 500 पर आंसर बुक लगेगी। यानी एक विषय की आपको कॉपी चाहिए तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट की आपको चाहिए तो 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रोसेस देख लेते रीएवेल्युएशन वाली। तो इसको भी आपको ऑनलाइन ही करना है और ये स्टार्ट कब से होगी? 5 जून से 6 जून, एक दिन का टाइम है, उसी बीच में आपको ये करना है। यानी 5 से स्टार्ट होकर 6 तक जाएगा ये, मतलब कुल मिला के 1.5 दिन समझ लो या 1 दिन पूरा समझ लो। इस 1 दिन के अंदर आपको अपना जो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन जो अप्लाई करना है वो कर सकते हो और एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा।
जितने भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको रिविलेट करवाना है उतने क्वेश्चन के लिए आपको अप्लाई करना है। आप सपोज़ करिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको 5 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। और यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, उन क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 27 है, जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पे लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रोसेस ठीक लगी होगी। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जो जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।